सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है ते तुसी देख रहे हो टॉप 10 न्यूज़। आम आदमी पार्टी पंजाब दे प्रधान अते संसद मैंबर भगवंत मान ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अते उन्हां दी पाकिस्तानी महिला मित्र आरूसा आलम दी दोस्ती नूं देश दी सुरक्षा लई खतरा दस्सिया। भारतीय विदेश मंत्रालय तों आरूसा आलम दे भारतीय वीजे दे स्टेटस बारे भी पुछिया। पंजाब च कोरोना महामारी के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाल सीधा पेचा पा लिया। कैप्टन ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब च सिर्फ सियासी एजेंडे तक सीमित है। दिल्ली च अरविंद केजरीवाल सरकार वालों कोविड इलाज लई सफल प्रबंधा के दावियां नूं शुरू तो रद्द करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि एक पासे आम आदमी पार्टी मुश्किल भरे समय च मिलकर लड़न की गल करती है तो दूजे पासे पाकिस्तान वालों महामारी नूं लैके गलत प्रचार जरिए पंजाब च मुश्किल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। स्कॉलरशिप घोटाले से अज अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कैप्टन सरकार नूं निशाने ते लैंदिआं अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा कि मौजूदा सरकार की नलायकी से चलदिआं ही गरीबी विद्यार्थियों के पैसे की लुट की गई है। गांधी परिवार नूं भी घड़ीसदिआं सुखबीर ने कहा कि करोड़ों रुपए के घोटाले विच इकला साधु सिंह धर्मसोत ही दोषी नहीं है सगों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत गांधी परिवार भी इसका हिस्सेदार है। देश भर च अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है। इसे तहत पंजाब सरकार वालों बीते दिन नवीं हदायतें दी गई हैं। नवीं गाइडलाइनस जरिए सोमवार तो लैके शुक्रवार तक सारिया दुकाना 6:30 बजे तक खुलियां रहनगियां। पंजाब च कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन वधदा जा रहा है। वधदे कोरोना वायरस के ग्राफ के नाल नाल इस महामारी नाल जुड़ियां अफवाहां भी फैल रही ने। अजे च आइसोलेशन च रह रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पै रहा है। अजे च हुण पंजाब च घर घर एकांतवास मरीजों हुण अपने घर के मुख द्वार से चिपकाए गए पोस्टरों तो पैदा हुए समाजिक एकलता का डर नहीं सहना पवेगा। स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों हर साल आयोजित किए जाने वाले अध्यापक दिवस संबंधी समागमों की बजाय इस बार कोरोना संकट कारण सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी आपो अपने घरों से ही अध्यापक दिवस मनाएंगे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि स्कॉलरशिप के मुद्दे से अकाली दल और भाजपा का दोहरा किरदार बेनकाब होया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2017 तो इस स्कीम को बंद करके पंजाब के गरीब विद्यार्थियों हर साल मिलते 800 करोड़ रुपए तक से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि अपनी केंद्र सरकार की इस नाकामी से पर्दा पाने लिए अकाली दल और भाजपा इस मुद्दे से राजनीति कर रहे हैं। नाभा के पटियाला गेट के नज़दीक एक होटल में अग लगन का मामला सामने आया। अग नाल होटल के फर्नीचर का समान भी सड़ के सुआह हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गड्डिया ने पहुंच के अग पर काबू पाया। दसिया जा रहा है कि यह अग बिजली के शॉर्ट सर्कट करने लगी है। चोन कमिशन ने बिहार विधानसभा चोणों के समय ही वक्वक सूबों दी 65 सीटों लिए जिमनी चोणा करवाने का फैसला किया है। कमिशन ने जारी बयान च कहा कि वक्वक सूबों दी विधानसभावां दीआं 64 सीटां ते एक संसदी सीट ते जिमनी चोणा बिहार विधानसभा चोणों के नाल ही करवाईआं जाणगीआं। दुनिया भर समेत भारत में भी कोरोना महामारी अपना प्रकोप बिखा रही है। देश में कोरोना के मामले और उसके नाल हो रही मौतों में हर दिन तेजी से वाधा हो रहा है। पूरे देश में कोरोना के केसों की गिनती 40 लाख के अंकड़े को पार कर गई है जबकि मरने वालों की संख्या 69,000 से वध गई है। उतें ही हुण तक 31 लाख से ज़्यादा मरीज कोरोना को हरा के ठीक भी हो चुके हैं। सो फिलहाल इस टॉप 10 में इन्ना ही। मैनू दिओ इजाजत। धन्यवाद।